सिद्धू मूसेवाले से जुड़ी हुई है, हत्या से जुड़ी हुई है। गैंगस्टर लॉरेंस को पंजाब ले जाएगी पुलिस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सूत्रों ने जानकारी दी है कि लॉरेंस बिश्नोई जो इस पूरे मामले में साजिशकर्ता बताया जा रहा है, उससे पंजाब पुलिस पंजाब लेकर के जाएगी। तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस। प्रोडक्शन वारंट लेने दिल्ली रवाना हुई है पंजाब पुलिस, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब ले जाएगी लॉरेंस बिश्नोई को, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले से खबर थी कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले जाकर के पूछताछ करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत सारे डेवलपमेंट है। हालांकि दिल्ली में जो स्पेशल सेल ने पूछताछ की है लॉरेंस बिश्नोई से, उसमें उसने साजिश की बात कबूली है, जो जानकारी अभी तक आई है सामने। लेकिन अब पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लेकर के जाएगी प्रोडक्शन वारंट पर, और फिर वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी, इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ा जाएगा। सत्येंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, क्या तैयारी पंजाब पुलिस की और क्या जानना चाहती है, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली में पूछताछ हुई, स्पेशल सेल ने जो पूछताछ की है, उसमें यह बात तो सामने आ चुकी है कि हाँ, साजिश जो है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने रची थी। क्या जानना चाहेगी पुलिस सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई से? कुंदन, देखो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो पुलिस ने डायरेक्ट एफआईआर में और केस दर्ज भी किया लॉरेंस बिश्नोई के नाम, उन्होंने पिता के, उनके सिद्धू मूसेवाले के जो पिताजी थे उनके नाम के आधार पर उन्हें जो बयान दिया था उसके नाम के आधार पर उन्होंने केस दर्ज किया हुआ है। हाँ, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन भारत का पुलिस अगर पंजाब लेके आती है तो उनके जो कुछ अहम सवाल होंगे, जैसे कि आपको गाड़ियां किसने मुहैया कराई, ये सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करने के लिए आपको किसने सिपाही दी, आपको हथियार किसने पहुंचाए, और ये जानकारी किसने दी कि आज सिद्धू मूसेवाला ब्लड प्रूफ कार में नहीं जा रहा है, उसके पास उसके गनमैन नहीं है। तो इस तरह के कई सवाल पंजाब पुलिस के सामने होंगे जिनके बारे में वो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस ने उनको सिर्फ आर्म्स एक्ट में तीसरी बार उसको रिमांड पे लिया जा चुका है, और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उसको छोड़ने के मूड में नहीं लग रही है। लेकिन अब कल के सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लेके आएगी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पहले हाईकोर्ट जा चुका है और अपने एनकाउंटर का खतरा बता चुका है कि अगर मुझे पंजाब ले जाया जाएगा तो मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है। कुंदन, बिल्कुल, अमन शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अमन, इस डर को हम समझ सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के डर को समझा जा सकता है, अगर प्रोडक्शन वारंट पर यहां से पंजाब भेजा जाता है तो क्या शर्तें हो सकती है कोर्ट की तरफ से, पुलिस की तरफ से? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई अभी दिल्ली पुलिस के रिमांड पर है, 4 दिनों की रिमांड दिल्ली पुलिस ने उसकी मांगी थी। इसके बाद में आज 3 बार उसकी पेशी भी हो चुकी है पटियाला कोर्ट में उसको लेकर। अब जिस तरह से बात सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो पंजाब पुलिस है वो प्रोडक्शन वारंट लेने के लिए दिल्ली आ रही है और वो दिल्ली से लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लेकर जाएगी। जैसा कि अभी जिक्र हमारे दूसरे सहयोगी ने भी किया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने पहले ही अपनी जो है एनकाउंटर का शक जताया था, उसने जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है वहां पर एक याचिका दायर की थी और ये बताया था कि अगर उसको पंजाब भेजा जाएगा तो उसकी हत्या का डर है, एनकाउंटर होने का उसको डर सता रहा है। हालांकि कोर्ट ने उसकी जो याचिका है उसको आधारहीन बताकर उसको खारिज कर दिया था। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरह से वो आर्म्स एक्ट के तहत अभी दिल्ली पुलिस की रिमांड में है, तिहाड़ जेल में वो बंद है, तो क्या दिल्ली पुलिस उसको पंजाब जाने की इजाजत देती है? क्योंकि अभी तो वो दिल्ली पुलिस के चंगुल में फंसा हुआ है। अगर दिल्ली पुलिस उसको पंजाब जाने के लिए छोड़ती है तब पंजाब पुलिस उसको लेकर जाएगी। अगर शर्तों की बात करें तो जिस तरह से पहले ही उसने अपने वकील के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी कि उसको एनकाउंटर का डर है, तो जाहिर सी बात है उसकी सुरक्षा को लेकर भी जिम्मेदारी उठेगी। दूसरी बात, अगर दिल्ली पुलिस उसको यहां से जाने देती है, चूंकि वो तिहाड़ जेल में बंद भी है, तो इसकी शर्तें भी निर्धारित की जा सकती है कि कितने दिनों के लिए उसको पंजाब भेजा जाएगा और फिर उसको कब दोबारा तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो जब मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद जो मूसेवाला के समर्थन में जो गैंग उतर के सामने आया,
उन्होंने ये कहा कि वो मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। तो जाहिर सी बात है उसको पुलिस से तो डर ही है ही, लेकिन अगर वो पंजाब में जाता है तो पंजाब में जो दूसरा गैंग है उससे भी कहीं ना कहीं उसको अपनी जान का खतरा सता रहा है। तो पुलिस को उसकी सुरक्षा भी देखनी होगी और साथ ही जो दिल्ली पुलिस शर्त उनके सामने रखेगी कि वो तिहाड़ जेल में बंद है ऑलरेडी, हमने उसकी रिमांड ले रखी है, तो अगर हम आपको उसको पंजाब ले जाने की परमिशन देती है तो कितने दिनों में आप वापस उसको पंजाब दिल्ली छोड़कर जाएंगे, ये सारी शर्तों पर बातचीत होगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब भेजा जाता है या फिर वो अभी भी दिल्ली पुलिस की रिमांड में रहेगा। बिल्कुल अमन, ये भी बताइए कि दिल्ली पुलिस ने भी जब यह हत्याकांड हुआ, मूसेवाला की हत्या की गई, तो दिल्ली पुलिस ने भी स्पेशल सेल ने भी पूछताछ की जिसमें उसने कबूल करी कि साजिश उसने रची है। क्या जानकारी उसने अभी तक दिल्ली पुलिस को दी है और क्या वो जानकारी शेयर की गई पंजाब पुलिस के साथ? देखिए, जब शुरुआती पूछताछ हुई थी, जब हत्याकांड का मामला सामने आया, उसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई का एक बयान सामने आया जिसमें ये बात कही गई कि हाँ, वो उसका गैंग इस हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेता है। साथ ही जब एक फेसबुक पोस्ट किया गया जिसमें गोल्डी बरार ने भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार का गैंग दोनों ने एक साथ मिलकर उस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि उसने पुलिस को क्या कुछ बताया है, और यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, पंजाब पुलिस भी उस तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है और पूरी हत्याकांड का जो ये सबूत जुटाने की कोशिश किए जा रहे हैं कि आखिर अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ये हत्या करवाई तो उसके पीछे वजह क्या थी, किसने उसको सुपारी दी और आखिर क्या पुरानी रंजिश रही होगी जिसके चलते लॉरेंस बिश्नोई ने सुद्धि मूसेवाला की हत्या करवाई। बिल्कुल सत्येंद्र, प्रोडक्शन वारंट चाहती है पंजाब की पुलिस, क्या आधार, चूंकि कोर्ट के सामने भी जाना पड़ेगा प्रोडक्शन वारंट के लिए, आप डिमांड जब करेंगे तो क्या आधार पंजाब पुलिस रखेगी और उसके आधार पर कितने दिनों का प्रोडक्शन वारंट मिलने की उम्मीद पंजाब पुलिस रख रही है? बताया कि पंजाब पुलिस डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं कर सकती है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने जो बयान दिए थे उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है ना शामिल किया था कि हमारे बेटे की जो हत्या है लॉरेंस बिश्नोई के सहारे से की जा सकती है। तो सिर्फ पंजाब पुलिस के पास सिर्फ एक ही आधार है कि सिर्फ उनके पिता के बयान के आधार पर वो लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस से प्रोडक्शन वारंट मांग सकती है, उनके पास सिर्फ यही एक बयान है। लेकिन कुंदन, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी बीते दिनों पंजाब में ट्रेंड चल पड़ा है कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम पे कई लोगों को कॉल भी आने शुरू हो गए हैं कि अगर हमें इतना पैसा दीजिए, नहीं आपका हर्ष भी सिद्धू मूसेवाला का जैसा होगा। तो यहाँ पे अब गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे व्यापारियों में या समाज में दहशत बनाने की कोशिश भी की जा रही है। कुंदन, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अमन और सत्येंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, लॉरेंस बिश्नोई को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 4 दिन के रिमांड हासिल किए और आर्म्स एक्ट में पूछताछ होनी है लॉरेंस बिश्नोई से। यहाँ पर देखिए स्वॉट की टीम यहाँ पर मौजूद है, कमांडोज मौजूद हैं, सादी वर्दी में, सादी कपड़ों में पुलिस की मौजूदगी है और लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा देखिए कितनी तगड़ी है यहाँ पर। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आज रिमांड हासिल किए और रिमांड पर जो पूछताछ हो रही है लॉरेंस बिश्नोई से, उसके दौरान की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में किस तरीके से ले जाया जा रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।